ये कांग्रेस और यूपीओ ने देश में आजाद की, लेकिन हमारे इस 68 लाख परिवार में 67 साल की आजादी के अंदर सिर्फ 38 लाख घर में बिजली थी, 20 लाख मेरा घर अंधेरा था। ये डबल इंजन की सरकार ने 30 लाख घर में बिजली हमने पहुंचा दी। हमने वैसे सुदूर क्षेत्र जहां हमारा आदिकाल से आदिम जनजाति समाज जो संथाल वगैरह के पहाड़ में भी रहते हैं, हमने वहां भी सोलर के द्वारा उसके घर तक बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार। जो गरीब, जो हमारा दलित समाज, जो शोषित समाज, वंचित समाज बिजली से वंचित थी, उनका भी सपना था कि कब हमारे घर में बिजली आएगी। देश को आजाद हुए 67 वर्ष हो गए थे, लेकिन बिजली उस गरीब के घर में पहुंची थी। ये काम डबल इंजन की सरकार ने करने का काम है। हमारी सरकार अभी 60 ग्रिड बन रही है, 257 सब स्टेशन पूरे रात में बन रहे हैं। आपके इस क्षेत्र चाहे 400 बोकारो हो, चंदन क्यारी हो, सब जगह ग्रिड और सब स्टेशन का काम हो रहा है। नवंबर लास्ट, तो मैं नवंबर लास्ट नहीं, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपके ग्रिड और सब स्टेशन बन जाने के बाद 24 घंटा बिजली आपकी क्षेत्र की जनता को, चाहे चंदन क्यारी हो, चाहे बोकारो, जो सुविधा शहर में लोग को मिलती है, हमारे गांव में भी हमारे गरीब जनता को 24 घंटा बिजली मिले, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार का। हमारी सरकार ने प्राथमिकता के तहत घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया। इतने ही नहीं, गांव और शहर के अंतर को भी खत्म करने के लिए हमारी सरकार जिस तरह बोकारो का शहर भी चक चक करता, हमारा गांव भी चक चक करेगा दिसंबर तक।